नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बहस का, डिबेट का नंबर वन शो है। कर्नाटक में क्या बीजेपी कांग्रेस के लिंगायत कार्ड में फंस गई है और क्या बीजेपी के पास कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति का कोई जवाब है? शाम 5 बजे आप ताल ठोक के इसी सवाल पर बहस करेंगे और शाम 6 बजे पूछेंगे, क्या बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के आगे नीतीश नतमस्तक हो चुके हैं और क्या सुशासन बाबू के हाथ से बिहार निकल गया है? लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि कर्नाटक में बीजेपी क्या लिंगायत टेस्ट में पास हो पाएगी? कर्नाटक दौरे पर कल ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लिंगायत के मुद्दे पर यह कह रहे थे कि कांग्रेस लिंगायत मुद्दे पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद लिंगायत मठ ने अलग धर्म की मांग को सही ठहराते हुए, और उसकी चिट्ठी भी जी न्यूज के पास मौजूद है जिसमें सही ठहराते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि अल्पसंख्यक का दर्जा देना सिद्धारमैया सरकार का फैसला सही था और बीजेपी के इस मुद्दे पर समर्थन की भी मांग की है इस चिट्ठी में। इस चिट्ठी के बाद सवाल यह है कि बीजेपी क्या कांग्रेस के जाल में फंस गई है और लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने का विरोध कर चुकी बीजेपी अब करेगी क्या? सवाल यह भी कि लिंगायत समुदाय के चित्रदुर्गा मठ के संत की चिट्ठी को चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाए क्या, क्योंकि कर्नाटक में लिंगायतों की आबादी इतनी है, लगभग 17%, कि वो किसी भी पार्टी के लिए जीत और हार की वजह बन सकते हैं। 224 में से 100 सीटों पर आप समझ रहे हैं दबदबा रखते हैं, डिसाइसिव फैक्टर है, और इसीलिए ताल ठोक के हम सवाल उठाएंगे, क्या कर्नाटक में कांग्रेस के लिंगायत कार्ड में बीजेपी फंस गई? कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति का बीजेपी के पास क्या जवाब है? क्या कर्नाटक में अब हिंदू हित वर्सेस लिंगायत हित की राजनीति हो रही है? क्या हिंदू बटेंगे तभी कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? अल्पसंख्यक कार्ड से कब तक खेलती रहेगी कांग्रेस? इन्हीं सारे सवालों के जवाब 1 घंटे में तलाशने की कोशिश होगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक और कांग्रेस अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी जगह कर्नाटक में उनके ही मुख्यमंत्री हिंदुओं में बंटवारा करने की बात करते हैं। बीजेपी का जो धर्म है वो सिर्फ सत्ता को छीनने के लिए है। ये बेसिकली कास्ट सिस्टम के खिलाफ चला हुआ एक जन आंदोलन था, लेकिन चुनाव के मौके पर लिंगायत को माइनॉरिटी स्टेटस देना ये भी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर एक को न्याय मिले, और न्याय के दृष्टि से अगर कोई सरकार को अप्रोच होता है तो उसको मौका तो मिलना चाहिए। कर्नाटक में बेवजह केवल मात्र श्रीमान येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनते हुए वो देखना नहीं चाहते, इसलिए लिंगायत समाज के अंदर फूट डालने की कोशिश की। समित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, बीजेपी केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पात्रा साहब स्वागत है। दुष्यंत नागर साहब राजनीतिक विश्लेषक है, किसानों से जुड़े मुद्दों पर 15 सालों से काम कर रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष यहाँ डिबेट्स में रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत नागर आपका भी। राकेश सिन्हा साहब प्रोफेसर सिन्हा आरएसएस के विचारक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता प्रकाश न्यूज एजेंसी ANI की एडिटर है, पत्रकारिता में 2 दशकों का अनुभव है, स्मिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तनवीर अहमद साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है जनता दल सेक्युलर के, कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय है, 40 सीटें जीते हैं। मालविका अविनाश अभिनेत्री है, दक्षिण भारत की राजनीति की जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। मालविका आपका भी स्वागत है। आप सबको शुरू में 1-1 मिनट का मौका दिया जाएगा और संबित पात्रा इस खत का जवाब क्या होने वाला है ये बहुत अहम सवाल हो जाता है और आप मुझे इस पर जवाब दें। उससे पहले दुष्यंत नागर खुश तो बहुत होंगे आज आप? तो सदैव ही खुश रहते हैं। ये जो खत आ गया है मठ की तरफ से और सिद्धारमैया की तारीफ कर दी है, आप यही तो चाह रहे थे कम्युनल कार्ड? देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रखता, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर से बातें करता हूं, जो भी मेरे पास सामग्री है ज्ञान है
दूसरा, मैं इस विषय पे आते हुए ये कहना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न उठाया कि कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति अपनाती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक इससे असहमति जताता हूँ। 1885 28 दिसंबर से आज की डेट तक कांग्रेस ने कोई एक ऐसा कार्य नहीं किया। मैं सारे पैनलिस्टों को खुली चुनौती देता हूं, वो ये कह दें कि कांग्रेस ने यहां बांटा चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, धर्म का एक बार इस्तेमाल किया। सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। आज तक बताइए कांग्रेस ने कभी सोमनाथ मंदिर के नाम पर वोट मांगी? कांग्रेस ने धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी वोट धर्म के नाम पर एक बार नहीं मांगा। रही बात लिंगायत समुदाय की, लिंगायत समुदाय की 1980 से बातें चली आ रही हैं। आज एक कमेटी ने सर्वे किया है, अध्ययन किया है, उसके बाद रिपोर्ट रखी है, तो उस पे आगे भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार है। अपनी जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी बांटो फूट डालो और फिर राज करो की राजनीति पर काम नहीं किया, तो मुझे आपको गिना देना चाहिए था कि गुजरात चुनावों में पटेल आरक्षण की मांग के साथ खड़ी कौन थी। बिल्कुल गलत। पटेल आरक्षण कब का चला? जाट आरक्षण में कांग्रेस साथ नहीं खड़ी थी? शुरू हुआ नहीं, जाट आरक्षण साथ खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? दुष्यंत नागर, आप कैसे कह सकते हैं? मैं पूरा का पूरा अभी आपको ग्राफिक्स ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूँ कौन कौन जगह पर क्यों गलत, कैसे गलत। मैं आपको राज्य के हिसाब से बता रही हूँ, मैं आपको राज्य के हिसाब से बता रही हूँ कि कहाँ धर्मों को, वर्गों को बांटने की राजनीति आप करते रहे हैं, कैसे करते रहे हैं। बस वही आप ये जो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, बार बार आप ये कह रहे हैं, ये लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा और दिया ने चवन्नी भी, ये 15 लाख को पीछे छोड़ दिया, पीछे मैं नहीं कर रहा, लोगों को इमोशनल भावनाओं से खेलना वो है। नागर, मैं आपके पास आऊंगी आगे, अब मुझे संबित पात्रा के पास जाने दें। संबित पात्रा, इस लेटर का जवाब क्या है आपके पास? एक तो आज क्लियर कर दीजिए, अलग धर्म का दर्जा जो कि लिंगायत समुदाय के अंदर से मांग उठ रही है, यह मठ की चिट्ठी भी है बकायदा, आप उससे अग्री करते हैं? अलग धर्म मिलना चाहिए, माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्लियर कर दीजिए एक मिनट में। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक लिंगायत समुदाय का विषय है, लिंगायत समुदाय के लगभग 400 मठ है कर्नाटक के अंदर। लिंगायत समुदाय हमेशा से ही येदुरप्पा जी के पीछे और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहा मैं बता देता हूँ, क्योंकि लिंगायत समुदाय के ही पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम वीरेंद्र पाटिल था, वीरेंद्र मैं अभी रुका हुआ हूँ, जब मेरा एक मिनट शुरू होगा तब आप मुझसे बुलवा लीजिएगा रूबिका जी, मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता। पहली दफा नहीं आ रहे दुष्यंत, पहली दफा आप ताल ठोक के कार्यक्रम में नहीं आ रहे, आप ये जानते हैं कि वो एक मिनट की परंपरा है। आप लिख दीजिए ना, आप लिख दीजिए और उस पॉइंट पर रिबटल कीजिएगा एक मिनट के बाद, ठीक है? मैं इतना कायदा और कानून तो आप समझेंगे। डॉक्टर पात्रा, माफ कीजिएगा। देखिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, वीरेंद्र पाटिल जो कि लिंगायत समुदाय से ही पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे थे, उनको जिस प्रकार से अनसेरेमोनियस तरीके से धक्का देके कांग्रेस पार्टी ने निकाला था, तब से लिंगायत समुदाय ने यह मन बनाया हुआ है कि कांग्रेस को कभी वोट नहीं देना है। दूसरी बात, जहां तक इस चिट्ठी का सवाल है, मैंने कहा 400 मठ हैं, मगर इस चिट्ठी में भी येदुरप्पा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है, आप देखिए, ऐसा कोई चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं है। दूसरी बात है, इस चिट्ठी में भी आप कोई हस्ताक्षर नहीं देख पाएंगे, यह चिट्ठी कोई लेटर हेड में नहीं है। और तीसरी बात है, चित्रदुर्गा में जब आदरणीय अमित शाह जी गए थे, वहां केवल डेवलपमेंटल इश्यूज पे बात हुई थी। अमित शाह जी खुद सबसे बड़े जो मठाधीश हैं लिंगायत समुदाय के, शिव कुमार, मतलब सर आपने इस चिट्ठी को ही सिरे से खारिज कर दिया है। आप ये कह रहे हैं कि ये चिट्ठी ही फर्जी है, किसी तरह की कोई चिट्ठी आई नहीं है। मैं स्मिता प्रकाश आपके पास आना चाहूंगी, तो ये चिट्ठी फर्जी हो गई, अब तो मांग ही फर्जी हो गई। मांग फर्जी हो गई तो आप उस चीज से ही बच निकले कि आप अलग धर्म का दर्जा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, फिर तो वो सवाल ही नहीं उठता। इजी। नहीं, इट्स रियली नॉट इजी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 80 से ये डिमांड है लिंगायत वीर शैवा कम्युनिटी की कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दीजिए, ये काफ़ी देर से। लेकिन इट वॉज ओनली टूवर्ड्स 80 के दशक में हुआ, लेकिन उसके बाद 20 साल के बाद जो है ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया है। और अब ये माइनॉरिटीज़ ये कमीशन का 3 महीने में उन्होंने डिसीजन ले लिया, मतलब
2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने कहा लिंगायत को कि नहीं आप जाइए, आपको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं चाहिए, आप वापस चले जाइए कर्नाटका। ठीक है, वो वापस चले गए। अब 2017 में उनको उन्होंने दो रैलियां की, उन दो रैलियों के बलबूते पर सिद्धरामैया जी ने एक उनके मांगों को एक कमीशन में बिठाया और 3 महीने में उन्हें एक और रिलीजन का स्टेटस दे दिया। और ये हालांकि इट इज़ अ हॉलो स्टेटस, क्योंकि जब तक सेंटर उसे ओके नहीं करती तब तक हो नहीं सकता, और इलेक्शन कमीशन का अब आ गया है, अब दे कैन नॉट टेक दैट स्टेटस ऑल्सो। तो ये सब ये सारा पोलिटिकल, ये पूरा पोलिटिकल मूवमेंट हो गया है प्रोफेसर सिन्हा। देखिए बात क्या है कि हिंदुओं में के एक जीवन पद्धति में बौद्ध हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं और इस तरह के अनेक संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों का प्रगतिशील रूप में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू समाज की कल्पना की ही नहीं जा सकती है इससे बौद्ध को अलग कर दे, सिख को अलग कर दे, लिंगायत को अलग कर दे। एक तकनीकी मामला उठा है, तकनीकी मामला इसलिए उठा है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति कर्नाटक कितनी खराब हुई है, जिससे लिंगायत युवक बेरोजगारी का अनुभव कर रहे हैं। उस बेरोजगारी के अनुभव में उनके अपने इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है उसकी भी समस्या है। कई तरह की पेचीदगियों से निकलने के लिए लिंगायत समाज अपने माइनॉरिटी स्टेटस मांग रहा है। इसलिए तो हमारा मानना है कि इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जो अवधारणा है वो बुनियादी तरीके से गलत है, और यह अवधारणा पूरे भारतीय समाज को फ्रेगमेंट कर देगा। हर समाज, हर वर्ग अपने को अल्पसंख्यक घोषित करेगा। जिन जिन राज्यों में विकास नहीं हुई है, लोग पिछड़े हैं, उस समाज की जाति के लोग, संप्रदाय के लोग अल्पसंख्यक बनना चाहेंगे। इस अवधारणा से ही अब हमें लड़ना होगा, क्योंकि यह अवधारणा भारतीय समाज, विशेष करके हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। प्रोफेसर सिन्हा ने जो बात कही है तनवीर अहमद, उस बात में दम इसलिए है क्योंकि यहां पर बहुत से अलग अलग समुदाय हैं, और आप जानते हैं कि इस देश में माइनॉरिटी का दर्जा एक बार आपको मिल जाता है तो बहुत सी सहूलत भी आपको मिल जाती है उसके साथ में, तो हर कोई वो सहूलत चाहेगा और फिर मेजॉरिटी बेसिकली माइनॉरिटी बन जाएगी, ये देश फिर माइनॉरिटी में बट जाएगा। एक के बाद एक आज लिंगायत आए हैं, फिर उसके बाद कोई और आगे आएगा, फिर कोई और आगे आएगा, और पॉलिटिकल जैसा स्मिता कह रही है मूवमेंट के चक्कर में होगा क्या कि आप बांटते चले जाएंगे। रूबिका जी, पहली बात, जब आप अच्छी सरकार देने में असक्षम रहते हैं तो आप एक दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं को मामला को ठंडे बस्ते में डालने के लिए। वही तो सिद्धरामैया जी और उनकी सरकार ने किया है। बट यहाँ पर मामला सिद्धरामैया जी एक्चुअली ही हैज ओपन्ड अ पेंडोरा बॉक्स। 36 और छोटे छोटी कम्युनिटीज और समुदाय अपने आप के लिए माइनॉरिटी स्टेटस मांग रहे हैं। कोडवास की तरफ से भी यहाँ पर एक मांग आई है। ये सिद्धरामैया ने एक बहुत ही गंभीर रूप का पॉलिटिक्स यहाँ पर खेल दिया है। सिर्फ उनको आंसर देना था येडियुरप्पा की पॉलिटिक्स के लिए, यहाँ पर कर्नाटक में उन्होंने एक 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 बड़ा डेंजरस माहौल कर दिया है। ये येडियुरप्पा सिग्नेचर नंबर 26 येडियुरप्पा का भी था, जो जब यूपीए की सरकार थी येडियुरप्पा ने भी साइन किया था। ये प्रश्न सिर्फ केवल कांग्रेस से पूछने से नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमको बीजेपी से भी उतनी ही गंभीरता से पूछना है जितनी गंभीरता से हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं। मगर यहाँ पर सिद्धरामैया जी, नहीं, ये बात आपकी सही है कि जब 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 आपके पाले में गेंद होती है तो आप उधर फेंक देते हैं। ये बीजेपी के साथ भी है, ये कांग्रेस के साथ भी है। भाई लिंगायत कोई कम्युनिटी से ज्यादा वो क्या देख रहे हैं, वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं। और क्या तनवीर अहमद ये काम आप नहीं कर रहे हैं? क्या वहां के अलग अलग समुदायों को आप वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखते हैं? समुदाय बाद में, वोट बैंक पहले। ये बात तो हर पार्टी पर लागू होती है ना। लेकिन मालविका, एक मिनट आपका है, क्या अल्पसंख्यक कार्ड से कांग्रेस इस वक्त खेल रही है या फिर अलग धर्म पर बीजेपी लिंगायत के साथ है या खिलाफ है? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज ढूंढना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात कह दूं कि तनवीर ने अभी बोला कि बीजेपी और कांग्रेस के सामने ये बात है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि तनवीर के पार्टी के बसवराज होरट्टी भी सिग्नेटरी हैं उसी लेटर के जिसकी ये जिक्र कर रहे हैं, 2013 की जो चिट्ठी है। और बसवराज होरट्टी सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने सिद्धरामैया के इस फैसले को वेलकम किया। तो तनवीर को ये भी बताना चाहिए कि जेडीएस क्या सोचता है, क्या होरट्टी साहब और जेडीएस एक साथ है इसमें या नहीं है समाज को तोड़ने में। दूसरी बात, सिद्धरामैया अपने आप को अहिंदा नायक कहलाते हैं। अहिंदा मतलब अल्पसंख्यात, ओबीसी जिनको हिंदुलिदा यहां पर बुलाते हैं, और दलित। वैसे है तो वो अहिंदू नायक,
जब भी उनको मौका मिलता है हिंदुओं को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी सारी जो नीतियां हैं। दो लोगों से आपने सवाल उठाए हैं और दोनों लोग आपके सामने अभी स्क्रीन पर होंगे मालविका, क्योंकि इसका जवाब लेना जरूरी है। तनवीर अहमद, पहले आप जवाब दीजिए, आपको येदियुरप्पा तो याद रहते हैं सिग्नेटरी के तौर पर, आपके खुद के नेता आपको याद नहीं रहते हैं, और सीधा सवाल मालविका ने आपसे किया है, जवाब दीजिए। क्या बात है, मुझे मालविका से यही सवाल की उम्मीद थी। बसवराज होरट्टी हमारे पार्टी के नेता जरूर हैं, मगर उनकी एक टिप्पणी से हमारी पार्टी का वी कांट रियली कम टू अवर कंक्लूजन। क्या देवेगौड़ा ने यह बात कही है, क्या एच डी कुमार स्वामी ने की है? नहीं सर, ये बसवराज होरट्टी का अपना व्यक्तिगत उनकी एक राय थी। टिप्पणी कहां से? येदियुरप्पा जी तो पार्टी के प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर कहे थे, व्यक्तिगत रूप से होरट्टी साहब क्या कहते हैं इससे पार्टी का कोई लेना देना है नहीं। होरट्टी को आपने सीधा सात बार एमएलए रह चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ, छोटे मोटे लीडर तो है, सात बार एमएलए रह चुके हैं, बड़े लीडर है। होरट्टी साहब की पर्सनल व्यक्तिगत राय है, चलिए छोड़िए इस बात को, व्यक्तिगत राय है, एक व्यक्तिगत राय है और एक पार्टी के प्रमुख नहीं है। व्यक्तिगत राय कहाँ से, तो जेडीएस में नहीं है क्या वो? नहीं, मेरे पार्टी के प्रमुख नहीं है, जेडीएस के एमएलसी नहीं है, जेडीएस के मंत्री नहीं रहे वो, एक देवेगौड़ा कल को अगर आगे सरकार आई तो वो मंत्री ही बनेंगे। ऐसे होरट्टी साहब बहुत इंटरेस्टिंग, आप स्मिता प्रकाश देख रही हैं उनको, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अगर यही सवाल अभी मैंने डॉक्टर पात्रा से पूछा होता तो वो भी यही कहते कि व्यक्तिगत राय भाई पार्टी की राय नहीं है। ये बहुत शानदार तरीका है कि थोड़ा पाऊं यहाँ भी रखो इस नाम में भी, थोड़ा पाऊं इस नाम में भी। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली बात है, ये व्यक्तिगत राय नहीं है, यही तो दिक्कत। हम ये नहीं कह रहे कि ये येदियुरप्पा जी की राय है, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस नाव में जाए। डॉक्टर पात्रा नाम चुनिए ना, नाम क्यों नहीं चुन रहे हैं? येदियुरप्पा जो पहले थे, नहीं जैसे सेपरेट माइनॉरिटी स्टेटस चाहते थे, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं इसलिए वो बीजेपी के तौर तरीकों के मुताबिक चल रहे हैं, इसलिए लिंगायत के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए। अब जेडीयू जो है दोनों नावों पे पैर रखे चल रही है ताकि पोस्ट इलेक्शन वो किंग मेकर बन जाए, इसलिए ना तो वो ये कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं, व्यक्तिगत कुछ और है, पार्टी का कुछ और। अरे तनवीर साहब, अब आप डिसाइड कर लीजिए किस नाव में जाएंगे आप। एंड सेम अप्लाइज टू डॉक्टर पात्रा, हम कर्नाटका की नाव में जाएंगे ना, हम बीजेपी में जाएंगे ना कांग्रेस की, झंडा नाव में जाएंगे ना होगा, हम ना पीटी में बीजेपी के नाव में चले जाते हैं। ये आज के लिए वाला जो करना नहीं, एक सब एक ही नाव में कर्नाटका की ये टीम है, दुष्यंत नागर एक सेकंड, कर्नाटका की ये टीम है, हम बीजेपी की बी टीम और कांग्रेस की बी टीम नहीं है। तनवीर अहमद, एक ही नाव है कर्नाटक वाली नाव, जिसमें संबित पात्रा भी है, जिसमें तनवीर अहमद भी है, जिसमें दुष्यंत नागर भी है, जिसमें मालविका भी, अब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं भाई। तनवीर बता दो, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, नाव कौन सी बहने वाली है? हाथ का पंजा होगा या कमल का फूल होगा? मुझे लगता है जब एक समुदाय के विषय में चर्चा हो रही है, बड़े ही गंभीरता के साथ सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के साथ इस विषय को रखना चाहिए। देखिए अगर लिंगायत समुदाय का कोई मांग है, कंप्लीट कर लूं, आप दो लाइनें बोलकर के सेंसिटिवली इसे डील कीजिए, उस जवाब से नहीं हट सकते या उस सवाल से नहीं भाग सकते जिसमें आपको क्लियर करना होगा कि आप लिंगायतों के साथ है, उनको अलग धर्म का दर्जा देने के साथ है कि नहीं है, चूज द बोट। सुन लीजिए रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, बड़ा ही बहुत ही ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन है, मगर इस पॉइंटेड क्वेश्चन का जवाब यह है कि जहां तक सामाजिक तना बना होता है, बहुत सोच समझ के जवाब देना होता है। क्या ये हकीकत नहीं है? मेरी बहन मालविका यहाँ बैठी हुई, आप उनसे पूछिए, हम शायद कर्नाटक के बारे में कम जानते होंगे मगर मालविका जी और स्मिता जी ज्यादा जानते हैं। वहां पर जो वीर सैवा कम्युनिटी है, वहां जो लिंगायत कम्युनिटी है, वर्षों से उनकी अपनी एक पहचान रही है, दोनों साथ में चले हैं, कभी सड़कों पर लड़ाई नहीं हुई है। मेरे एक कमेंट से अगर सड़कों पर लड़ाई हो जाएगी, क्या हमको वो करना चाहिए?
क्या हमें इन विषयों पे परिपक्वता के साथ, अगर 400 मठ हैं लिंगायतों के, और आप याद रखिए वीर शैवा महासभा अखिल भारतीय वीर शैवा महासभा है, महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो खुद कांग्रेस के नेता हैं, उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर हैं एसएस मल्लिकार्जुन जी, खुद सिद्धरमैया जी के कैबिनेट में, वो खुद सिद्धरमैया जी के साथ खड़े नहीं है, वो सिद्धरमैया जी के खिलाफ बोल रहे हैं। सर आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं चाह रहे, मैं तो क्लैरिटी चाह रही हूं ना, मैं आपको बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, क्यों नहीं आप क्लैरिटी दे पा रहे हैं, या तो आप कह दीजिए कि नहीं हिंदुओं को बांटने वाली राजनीति के साथ हम नहीं खड़े हुए हैं, आप ये कह दीजिए कि अलग धर्म का दर्जा बीजेपी नहीं देगी, मैं आपको क्यों नहीं बोल पा रहे आप, क्योंकि चुनाव है। सुन लीजिए बिल्कुल नहीं रूबिका जी ध्यान से सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ दे रहा हूँ। 2013 में इसी कांग्रेस सरकार ने मना किया कि किसी भी कीमत पर लिंगायत को हम अलग नहीं कर सकते। True. मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि इतने बड़े जो मुद्दे होते हैं इन पर किसी प्रकार का विमर्श बनाने से पहले मेरा व्यक्तिगत और पार्टी का भी मानना है कि 400 मठों के साथ बातचीत होनी चाहिए, बड़े लोग खुद शिव कुमार स्वामी जी जैसे सिद्ध गंगा मठ के जो 110 वर्ष के स्वामी जी हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग धर्म का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि अलग धर्म का दर्जा नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है, हम पहले राय मशवरा करना चाहते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे। इन सब विषयों पे राय मशवरा होना चाहिए, इन सब हम लेना चाहते हैं, इन विषयों पे इमैच्योरिटी बिल्कुल नहीं, राजनीति को इन विषयों पे परिपक्वता नहीं। अमित शाह जी ने कहा सवाल पूछा कि 5 वर्षों तक आप चुप रहेंगे, अंतिम 1 महीने में सब कुछ होने की विचारधारा के लोग, ये सेल्फ गोल भी हो सकता है, जिसे आप मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं ना, इट कुड बी अ सेल्फ गोल आल्सो। मालविका देखिए, प्रोफेसर सिन्हा एक सेकंड, मालविका की महान जनता तय करेगी, उनको सिद्धारमैया साहब के विकास को देखना है या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 जो इनका कार्यकाल था, बीजेपी कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री चेंज हुए, येदुरप्पा जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस पार्टी को सिद्धारमैया का विकास नहीं है, मालविका मैं हूँ आप है सर, सिद्धरामैया का कोई विकास नहीं है, मालविका मैं हूँ आप है सर, आप जवाब दे रहे हैं, सवाल मेरे से है जी। मालविका जी, तनवीर आप तो बोलो मत यार, आपके आपके कुमार स्वामी जी ने तो बीजेपी के साथ ही मिलकर सरकार बना ली थी, बेटा प्रधानमंत्री बना, आपका क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा प्रॉब्लम है क्या कांग्रेस बाप प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस एक साथ है बेटा बेंगलुरु महानगरपालिका में, इसलिए सर आप चुप रहे तो अच्छा, बड़ी दूध की धुली है, बहुत दूध की धुली है ना कांग्रेस, क्या समझते एक सेकंड दुष्यंत नागर सही कह रही है, मालविका बार बार आपसे पूछ रही है, मालविका वो है कांग्रेस के पक्ष में आवाज नहीं उठा सकता देश में, क्या उठा सकता है, सबकी आवाज बंद करेंगे, हम विनती करके बुलाते हैं, तो ये ऐसा कैसे बोलते हैं भाई, विनती करके आपको बुलाते हैं, आइए आवाज उठा सकते हैं, उठाइए सबका उठाइए, लेकिन अभी मालविका जी को लिंगायत तो कोई आवाज उठा देने दीजिए, ठीक है मालविका जी। दुष्यंत जी आप ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस कोलिशन में है यहाँ के बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके में, इसलिए आपको शायद ये सब पता नहीं है, आप बोलते ही चले जा रहे हैं, सवाल मेरे से है, मैं बोलूं पहले उसके बाद आप जवाब देना, और जहां तक कोलिशन का सवाल है मैंने आपको जवाब दे दिया कि कांग्रेस और जेडीएस कैसे जो 198 के वार्ड्स के जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके है उसमें 101 तो बीजेपी का है, लेकिन गवर्निंग काउंसिल इन दोनों का है, इन दोनों ने मिलके बनाया हुआ है ताकि बीजेपी को बाहर रखे, ये आपके सामने अभी भी है, आज भी ये हो रहा है, ठीक है। जब जहां तक ये लिंगायत और वीरशैवों की बात चल रही है, 2013 में केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, कर्नाटका में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तब क्यों नहीं पास कराया ये, सिद्धरामैया को अगर इतनी चिंता है लिंगायतों और वीरशैवों की तो तब क्यों नहीं पास कराया, अक्टूबर 2013 मैडम द कांग्रेस पार्टी वॉज इन पावर इन कर्नाटका, ये 5 साल बाद याद आते हैं लिंगायत वीरशैव, वो भी चुनाव के पहले, एक कमिटी बनाते हैं, कमिटी ने सोचा नहीं, कमिटी ने बोला नहीं, एकदम से 2 महीने में रिपोर्ट ले लिया लिंगायत महासभा ने, अभी टेक्निकल कमेटी का गठन हुआ, नहीं नहीं वीरप्पा मोइली जी ने सोनिया गांधी को लिखा और सोनिया गांधी ने फॉरवर्ड किया लेटर को, प्रधानमंत्री 24 घंटे में संविधान में संशोधन हो जाएगा,
तकनीकी रूप से आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति सर, ये आप एक सिलेक्शन बात नहीं कर रहे हैं, पता है ना वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली वाला खत आपको पता है ना सर, सोनिया गांधी मस्ट हैव डन योर होमवर्क, और मुझे ये बताइए आपको वो खत नहीं पता है जिसमें वो बकायदा लिख रहे हैं कि सेंसस की तरफ से पूरे ग्रुप की तरफ से बकायदा हमने जांच की, तो फिर काहे बोल रहे हैं आपकी गड़बड़ी है। जो कमेटी का गठन हुआ वो राज्य स्तर पे हुआ, उन्होंने राज्य स्तर की समस्याओं का लिंगायत के पूरा अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद रिपोर्टी भेज, रिपोर्ट भेजी है, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसके ऊपर डिबेट करिए, और हमारे प्रिय संबित जी को पूरा अधिकार है, संबित पात्रा वो उसको चाहे तो खंडन कर सकते हैं। नहीं, 5 साल में ऐसा क्या हो गया? देखिए मालविका, बिल्कुल सुनिए 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति था, मेरे भाई दुष्यंत भाई आज 21वें नंबर भाई, प्लीज दुष्यंत नागर आप किस तरीके का लॉजिक दे रहे हैं? दुष्यंत भाई प्लीज सुनिए, निकला हुआ ये सेट हुआ करता था लिंगायत, ठीक है, 5 साल बाद ये बदल गया मैडम, पिछले 5 साल बाद ये बदल गया, आप 1 साल में 7000 रूट बदल गया, 7000 करोड़ भाई भारत के नागरिक छोड़ के चले गए, एक साल में आपको पता नहीं है, पिछले 1 साल में 7000 करोड़पति भारत के नागरिक, सुन लीजिए, विदेश में बस गए, अरे भैया करोड़पति कहाँ से आ गए इसमें लिंगायत और वीर शैवा में, लिंगायत क्या हो रहा है, करोड़पति कहाँ से आए, भागने से क्या लिंकेज है, बता दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का बहुत सिंपल सा मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए प्लीज डॉक्टर पात्रा एंड देन प्रोफेसर सिन्हा सर, जल्दी 30 सेकंड में बात रखिए अपनी। देखिए मालविका जी ने एक बहुत सही सवाल उठाया, उन्होंने कहा 5 वर्ष का समय मिला था, आपने दिसंबर 2017 में कमिटी एस्टेब्लिश किया, राव साहब की कमिटी ने कहा हमें कम से कम 6 महीना तो दीजिए मोहलत, हम स्टडी करेंगे, आपने कहा 6 महीना कुछ नहीं हो सकता है, 1.5 महीने में जो होता है होगा वरना हम डिक्लेयर कर ही देंगे, ऐसे तैसे करके 1.5 महीने के अंदर आपने इतना बड़ा समाज को बांटने वाला काम, लोगों को सड़क पे लड़वाने वाला काम कर दिया। देखिए जिस प्रकार से आपने लिंगायत समुदाय के ही चीफ मिनिस्टर को निरस्त करके अनसेरेमोनियसली कांग्रेस पार्टी ने भगाया था अपने पार्टी के अंदर से, लिंगायत समुदाय कभी भी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करने वाली। दूसरी बात बताता हूं, जहां तक बांटने की राजनीति है, अरे आज ही क्रिस्टोफर वाइली ने बताया है, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है, किस प्रकार देश को बहुत महत्वपूर्ण है, सुन के बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे भाई 10 सेकंड सुन तो लीजिए, जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने 2 सेकंड सुन लीजिए, मुझे सुनिए अपना बात रखने का, एक सेकंड देखिए क्या ये सच्चाई नहीं है, क्रिस्टोफर वाइली ने कल कांग्रेस का नाम लिया, पहले जिस प्रकार गुजरात में पाटीदारों को बांटने की कोशिश की, यहाँ पर भी कन्नडिगों को बांटने की कोशिश हो रही है, किलोमीटर दूर कर्नाटक यहाँ से मेरे स्टूडियो से सर, उसकी बात कीजिए, वाइली की बात नहीं, प्रोफेसर सिन्हा इसीलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, प्रोफेसर सिन्हा जल्दी से। देखिए मैंने एक बड़ा लार्जर सवाल उठाया था माइनॉरिटी के इशू को, और सीधा रमैया के इस कदम का, देखिए लिंगायत समुदाय एक प्रगतिशील समुदाय है, उसके और उसका इतना दार्शनिक इम्पैक्ट है कि सिर्फ जो लिंगायत है वो नहीं, हिंदू समाज को प्रगति करना है तो लिंगायत के दर्शन के साथ चलना पड़ेगा, और ये लिंगायत और हिंदुओं को तोड़ने की बात कल्पना में भी नहीं की जा सकती है, तकनीकी जो भी मामला है वो राजनीतिक पार्टियाँ सुलझाएंगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हो, सीधा रमैया हो, येदुरप्पा हो, सत्ता से फैसला नहीं संविधान से फैसला होगा, सर्वोच्च न्यायालय से फैसला होगा, राजनीतिक पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, देश को रहना है। एक छोटी सी बात मैं कांग्रेस पार्टी को और बाकी प्रवक्ताओं को कहना चाहता हूं, आज सिद्धारमैया के उस कदम ने झारखंड में जो कुछ लोग बंधना टिग्गा जो सरना कम्युनिटी के 25 पीठ के अपने को धर्म नेता मानते हैं, उन्होंने कहा जब लिंगायत को माइनॉरिटी दर्जा मिल सकता है तो हमें भी माइनॉरिटी दर्जा दो, इसका सीधा प्रभाव झारखंड में दिखाई पड़ रहा है, सरना मूवमेंट पहले चल रहा था, जैसे सिद्धारमैया ने कदम उठाया वैसे ही 42 लाख उनकी पॉपुलेशन है, पहले कहते थे जैन समुदाय को मिला, अब कहते हैं अभी लिंगायत को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, पूरे देश का माइनोरिटाइजेशन हो जाएगा, अल्पसंख्यकीकरण करना चाहते हैं, ये अल्पसंख्यक अवधारणा को मैं जेडीएस के प्रवक्ता से कहना
आप आध्यात्मिक हिंदू हो, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, कहिए प्रोफेसर सिन्हा जी, आप आध्यात्मिक हिंदू हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, देश में 125 करोड़ लोगों को मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये मांग आज की नहीं है, ये मांग बहुत पुरानी है, संख्यक की अवधारणा भारत को विभाजित करने वाली आज की नहीं है, ये मांग बड़ी पुरानी है, वैदिक संप्रदाय के खिलाफ उठी हुई बसवन्ना की आवाज थी। अरे बस मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, पक्ष की बात मत कीजिए, तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, समाज के रास्ते जुदा-जुदा, ये मामला कोई और है। हम जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस बड़ा गंभीर गेम खेल रही है धर्म को लेकर, अहमदिया के बारे में भी और आरएसएस ने इसकी शुरुआत की थी। सर ठीक है, अरे आप है ना आरएसएस वाले, आप लोग ध्रुवीकरण करके हिंदुस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहे हैं। हम प्रोफेसर सिन्हा, लिंगायत नेशन ऑफ हिंदुइज्म, तनवीर अहमद, कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, शुरुआत में आप कुछ और कह रहे थे। स्मिता प्रकाश, संख्या के नाम से डर क्यों रहे हैं? यदि यदि लिंगायत को अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाएगा तो मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा क्या होगा? ये तो दोनों नाव पे पैर रख रहे हैं, धर्म के नाव पर भी, राजनीति के नाव पर भी। प्रोफेसर सिन्हा, तनवीर अहमद, एक सेकंड, एक दूसरे को सब्र से सुनते हैं, एक दूसरे को सब्र से जवाब दे तो समझ में आएगी चीजें। मालविका, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन स्मिता प्रकाश, ये जो लेटर मेरे पास है, इसे डॉक्टर पात्रा खारिज जरूर कर सकते हैं कि लेटर हेड पर नहीं। हालांकि मेरे पास दो किस्म के लेटर हैं, एक जो कि लेटर हेड पर नहीं है, A4 साइज पेपर पर है, और दूसरा लेटर हेड पर है जिसमें बकायदा साइन भी यहां पर शिवमूर्ति मुर्गा शरणारू का दिख भी रहा है मुझे। उसमें जब ये कह रहे हैं कि एट द आउटसेट इट अपीयर्स दैट देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन लिंगायत एंड वीर शैवा लिंगायत फेथ फॉलोअर्स, इट इज अ टेम्पररी आउटब्रेक ऑफ इमोशंस ऑफ स्मॉल ग्रुप इन द फॉलोअर्स ऑफ बोथ फेथ, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग and the government of Karnataka has rightly recommended to the Central Backward Commission in this regard. और हम चाहते हैं आपका साथ और सपोर्ट। इसमें चुप्पी साधना बीजेपी के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि भाई आखिरकार 17% तो सबको दिख रहा है ना। रूबिका, अगर आप उस लेटर से पढ़ रहे हैं तो मैं एक और पार्ट पढ़ दूं उस लेटर से। please, please. उसमें लिखा है, माइनॉरिटी स्टेटस टू दिस रिलीजन विल डिलीवर बेनिफिट्स टू यूथ ऑफ कम्युनिटी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, इट इज नॉट अ स्टेप टू डिवाइड द कम्युनिटी बट अ मेजर टू यूनाइट डिवाइडेड सब कास्ट ऑफ लिंगायत्स। लिंगायत धर्म ही शुरू हुआ क्योंकि वो कास्ट में विश्वास नहीं करते, वो वेदास में विश्वास नहीं करते। अब उठी बात कास्ट की, तो या तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कास्ट के बेनिफिट्स चाहिए, या आप डिसाइड कर लीजिए आपको माइनॉरिटी के बेनिफिट्स चाहिए। आपको चाहिए क्या? अगर आपको माइनॉरिटी रिलीजन का मिल जाएगा तो कास्ट का क्या होगा? क्या आप ओबीसीज रहेंगे, आप बैकवर्ड कास्ट रहेंगे? तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स मसला है, तो इससे कोई खुश नहीं है। वीर शैवास की अलग डिमांड है, जो भी लिंगायत है, और लिंगायत की अलग डिमांड है। वो कहते हैं कि वीर शैवा जो है वो वेदास में विश्वास करते हैं, वो कास्ट सिस्टम में विश्वास करते हैं। अगर वो ऐसे करते हैं और वो शैवाइट टेंपल्स भी जाते हैं, अगर वो सब करते हैं तो वो लिंगायत नहीं है। तो लिंगायत में भी काफी भेदभाव है, मतभेद है। और दूसरी बात रही कि बाकी जो रिलीजन्स है, क्रिश्चियंस है, मुसलमान है, वो भी थोड़े घबराए हुए हैं कि क्या हमारे कोटा में से लिंगायत को अगर चला जाएगा तो हमारे कोटा का क्या होगा? क्योंकि लिंगायत जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो उनको उसमें से 50% रिजर्वेशन मिल जाएगा लिंगायत बच्चों के लिए, जहां की आज वो सिर्फ 5% पर है। तो ऐसे सब कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, वो क्या 3 महीने में डिसाइड हो गया? इतनी जल्दी कैसे डिसाइड हो गया? कोई भी कम्युनिटी इससे खुश नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सिद्धरमैया का जो ये नहीं, पर वो जो वैलिड सवाल पूछे दुष्यंत, अगर आप उस सवाल को थोड़े डक कर सकते हैं। अस्मिता नायर ये कह रही है कि 3 महीने में इतना जल्दी ये सारी चीजें, वो जो अभी गिना रही है ना, वो गिन के आदमी सच में टेंशन में आ जाएगा कि अरे ये तो मुद्दा बहुत गंभीर है, इसमें तो इतनी सेंसिटिवली डील करने की जरूरत है, जो डॉक्टर पात्रा भी कह रहे थे। और पॉइंट है, आप सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में सर ऐसे खेल कर जाएंगे? देखिए वीर सैव, इज इट लाइक कटिंग द केक, काटो और खत्म बात, हैव योर स्लाइस। वीर सैव वो समुदाय है जो हिंदू सनातन धर्म में वैष्णव और शैव संप्रदाय दो संप्रदाय हैं, उसी में से वीर शैव संप्रदाय जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव को मानते हैं। लिंगायत के विषय में जितनी मुझे जानकारी है वो निराकार शिव का जो रूप है, निराकार ब्रह्म का जो रूप है, उसको मानते हैं, उस अवधारणा का पालन करते हैं। तो मुझे लगता है दोनों में कहीं ना कहीं समानता भी है तो कहीं ना कहीं भेद भी है। और जो कमेटी, जिन लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किया,
ऐसा नहीं है, उन्होंने मान्यताओं को, धार्मिक मान्यताओं को, रीति नीतियों के ऊपर बारीकी से अध्ययन किया होगा, उसके बाद अपना फैसला लिया है। दूसरा, थोड़ी सी देर पहले पूज्य गुरुजी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया था माइनॉरिटीज के ऊपर, तो आप तो गुरुजी हिंदुत्व की धारणा रखते हैं, आप तो भारत के प्रत्येक नागरिक को हिंदू मानते हैं, फिर माइनॉरिटीज क्या हो गई? आज आपके प्रधानमंत्री हैं, संघ से आए हैं, आपके राष्ट्रपति हैं महामहिम, हर जगह आपका बहुमत है, तो संविधान में आवश्यक अपेक्षित संशोधन करा के इन चीजों को एक दिन में ही निपटारा क्यों नहीं करा देते? मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, कोई पार्टी मेजोरिटी में आती है इसका मतलब नहीं है कि मेजोरिटी में आने के कारण उसका एकाधिकार हो जाता है। यदि कांग्रेस पार्टी और बाकी वामपंथी पार्टियां JDS से मानती हैं कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की अवधारणा एक संक्रामक रोग की तरह इस देश में फैल रहा है, मैं बताऊं रूबिका जी, आज़ादी से पहले जब जनगणना शुरू हुई तो जो पिछड़ी जातियां भी कथित रूप से जो पिछड़ी जातियां थी वो अग्री जातियों के लिस्ट में आने के लिए अपनी पिटीशन देती थी, बाद में सारी अग्री जातियां पिछड़ी जातियों के में पिटीशन देने। कुछ बातें देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है देश में जिस पर एक माइनॉरिटी का दर्जा हर एक समुदाय मांगने लगेगा। आपने अभी अभी एक और समुदाय का जिक्र किया, समझ में आ रहा है, पर मुझे तो ये बताइए आप कि क्या आपका स्टैंड इस मामले पर एकदम स्ट्रांग है कि नहीं मिलना चाहिए अलग धर्म का दर्जा? देखिए, मैं दो बातें मैं बता रहा हूँ। मैं एक बात तो साफ तौर पे कह रहा हूँ कि लिंगायत भी हिंदू हैं, वो एक शिव की पूजा करने वाला हिंदू नहीं होगा। अलग धर्म का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए? धर्म का धर्म, देखिए अलग धर्म कैसे हो जाएगा? शिव की पूजा करने वाला, राम की पूजा करने वाला, विष्णु की पूजा, देखिए हिंदू धर्म में मतांतर हो सकता है, वेद को मानना नहीं चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय इसके सभी मामलों को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, संविधान सम्मत जो होगा होगा। यदि वो अल्पसंख्यक बनते भी है तो हिंदू रहेंगे, आज जैन है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो क्या है? कल के किसी प्रवक्ता ने कहा, मुझे जानकारी भी नहीं थी कि वो जैन है फिर भी हिंदू है। तो सवाल ये उठता है कि हिंदू समाज को, सर आप मेरे सवाल हिंदू समाज का विघटन करने की प्रवृत्ति कांग्रेस में आ देता। अगर हिंदू ही है और इसमें बंटवारा हुआ है तो क्यों ये बात ताल ठोक के नहीं कह सकते हैं आप कि नहीं होना चाहिए बंटवारा, फाइनल पीरियड? मैं जवाब देता हूं। पहली बात, मैं बहुत सम्मान के साथ राकेश जी को ठीक कर दूं कि अमित शाह जी बिल्कुल हिंदू हैं और वो विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू जैन कम्युनिटी, अमित शाह जी जैन नहीं है। नहीं, मैं संबित जी कल एक प्रवक्ता देवशीष जरालिया बीएसपी के जो सपा, संबित जी मैंने कह रहा हूं, डॉक्टर पात्रा, मैंने कल एक जी न्यूज पर ही जो प्रवक्ता, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं, उन्हीं प्रवक्ता, मैं उनके प्रवक्ता, उन्हीं प्रवक्ता को कह रहा हूं। मेरा सवाल खो जाएगा, हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी दूसरी बात के चक्कर में लिंगायत वाला मेरा सवाल खो जाएगा, मैं उसको दोबारा उबार कर ले आऊं। दूसरा आपने एक सवाल पूछा, मैं उसको उत्तर देता हूं। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल कैंडिडली उत्तर देता हूं। आपने कहा एक लाइन में यस और नो, जैसे होता है ना मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या मल्टीपल चॉइस, यस और नो और तीसरा कुछ नहीं होता है। देखिए, इतना अगर आसान होता जीवन की पद्धति, मैं तीसरा ऑप्शन दे देती हूं, पॉलिटिकल बाध्यता, यस और नो में ना जवाब नहीं दूंगा, पॉलिटिकल बाध्यता, आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। रूबिका जी सुनिए, रूबिका जी एंकर समेत जितने लोग यहां बैठे हैं, चाहे हम उनके साथ सहमत हो या नहीं हो, दे आर इंपॉर्टेंट पीपल, बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग दुष्यंत भाई भी, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब इतना बड़ा सवाल हम सबके सामने आए, विशेष रूप से इंगित करने के लिए धन्यवाद, नहीं दें हम देश को बांटे भी नहीं और यस और नो में उत्तर दे भी नहीं, परिपक्वता के साथ दीर्घ काल इसका स्टडी हो। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज अभी स्मिता जी ने उठाया है वो इतनी कॉम्प्लेक्स विषय है, हम सड़क पे लड़ाई नहीं चाहते हैं। अच्छा, दो व्यक्ति भी सड़क पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। नहीं, आप बार बार सड़क की लड़ाई क्यों कह रहे हैं? नहीं, सड़क की लड़ाई क्यों कह रहे हैं? संबित, लिंगायत कभी सड़क पर लड़ने नहीं आते, आप क्यों सड़क पर बात कर रहे हैं? नहीं, लिंगायत किसी कह रहा हूँ, अभी झारखंड की बात हुई, अभी झारखंड की बात, नहीं लिंगायत की नहीं, झारखंड की बात हुई, अन्य प्रदेशों में लोग माइनॉरिटी के लिए सड़क पे उतरेंगे। इन सब विषयों को चिंतन करना है कि किस प्रकार से देश में एक लॉलेसनेस नहीं फैल जाए, बाकी लोग सड़क पे ना उतर जाए। अभी झारखंड का एग्जांपल दिया अभी, और आपको याद होगा एक ट्राइबल कम्युनिटी ने तो अपने आप को देश से ही अलग करने की बात कर दी कि आप हमें अलग रुतबा दीजिए और हम इंडिया के पार्ट नहीं है, ये भी घोषित कर दीजिए। इसमें तो एक क्लियर चीज है ना, मान लेते हैं, जाते जाते देखिए, आप मुझे रैप अप करना होगा,
हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मालविका, जाते जाते देखिए मैं ये मैं जैसा कैंडिडेट जवाब देने की बात डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वैसा ही सीधा सवाल पूछना पसंद करती हूँ ताकि जनता मुझे समझ बोलने नहीं दिया आपने। नहीं मैं दे रही हूँ ना आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हूँ, 30 seconds टू यू मालविका। यस, अगर मांग हजारों साल पुरानी है या फिर डिकेड्स पुरानी है, चाहे 10 साल 20 साल 30 साल पुरानी है मांग, तो यहाँ पे तो कांग्रेस की ही सरकार थी, 2 महीनों में ये निर्णय लेने की जरूरत क्या पड़ी उनको, सोच के लेते ना। इसलिए लिया क्योंकि सिद्धरामैया हिंदू विरोधी हैं, ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए। सिद्धरामैया ने पहले भी ऐसे बहुत सारी नीतियां यहां पे बनाई हैं जो हिंदू विरोधी हैं। वो सोचते नहीं है, उनको बस बांटने की बस सोच है, वो सोचते नहीं है कि समाज पे क्या असर पड़ेगा, और इसीलिए बांटने की राजनीति पॉलिटिक्स करने की आदत है। इसलिए ऐसे कर 2% जो है जी, नहीं नहीं वो हिंदू विरोधी हो सकता है, अरे तो उनके बयान है, क्या बात कर रहे हो सुशील नागर, मैं आप उससे हैं सिद्धांत है सर, आप तो जानते हैं, हम जानते हैं 2011 में कहा मैं ओहो सर, एग्जैक्टली सर, यही तो पॉलिटिकल गेम है ना, सारे के सारे धर्मों का खेल जो है आप जोड़ने लग जाते हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, आपको धर्म से कोई वास्ता नहीं है, आपको समुदाय से कोई वास्ता नहीं है, आपको वोट बैंक से वास्ता है, सबको वोट बैंक से वास्ता है, और अब तो वो मतदाता नहीं ना, मत डेटा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखते रहिए।